Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we will learn computer of class 3rd. We are going to learn the concept of chapter 2 containing Zuma game. Zuma game ke zariye hum input device mouse ka control seekh sakenge. To chaliye game start karte hain. Double click on Zuma game icon. Here we have to click on play game. Now you can see that game is loading here. Game mukammal taur pe load ho chuki hai. Yahan par hum click karenge, click here to play. Students, aage hum click karenge adventures pe. Kyunki abhi hum game play karna chahte hain, koi aur option hum select nahi karenge. To adventures pe click karke hum game ki taraf move kar rahe hain. आगे ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, न्यू गेम स्टार्ट करनी है या जो पहले से कंटिन्यू है उसी को कंटिन्यू करना है. तो हम न्यू गेम स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन इस विंडो पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कोर्स के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट प्लेयर्स ने कितने कितने स्कोर्स किए हैं इस गेम में. तो अब हम गेम प्ले करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं. अब डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट टूल्स यूज हुए हैं इस गेम में, तो वो बताए गए हैं. सबसे पहले तो ये एक फ्रॉग है जिसके ज़रिए बुलेट्स फायर होते हैं. बुलेट्स क्या मतलब? बॉल्स. हम इस गेम में हमने क्या करना होता है, एक बॉल्स की स्ट्रिप चल रही होती है और उसको हमने दूसरी बॉल से फायर आउट करना होता है, हिट करना होता है. तो अब इससे नई बॉल्स आती रहेंगी. तो ये बॉल फायर होगी और ये जो ये बॉल है ये नेक्स्ट आने वाली बॉल को शो कर दें. आप देख सकते हैं कि ये ब्लू है तो आगे ब्लू आ जाएगी, ये ग्रीन है तो नेक्स्ट ग्रीन आ गई. और यहाँ पर बताया गया डिफरेंट पावर बॉल्स के बारे में कि पावर बॉल्स के कौन कौन से फीचर्स हैं. अब ये देखें, ये एक बॉल आई है, इससे ब्लास्ट हो गया. तो इसी तरह ये जो स्कल दिखाया गया है, ये स्कल गेम में जिस तरफ होगा वहाँ पर हमने ट्राई करनी है, जो बॉल्स की स्ट्रिप आ रही है वो स्कल तक ना पहुँच पाए. डू नॉट लेट द बॉल्स रीच द स्कल. तो यहाँ तक अगर हमारी बॉल्स पहुँच गई तो गेम ओवर हो जाएगी. अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बताया गया जी हमने बॉल्स को शूट करना है जिसकी वजह से कॉइन्स अर्न कर सकते हैं हम. ठीक है, ये सारा कुछ हमने किसके ज़रिए करना है, लेफ़्ट माउस बटन से. और राइट माउस बटन से हम क्या कर सकते हैं जी, राइट माउस बटन से अब ये देखें, ये कमिंग अप जो बॉल है ना उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब अगर हम कलर इंटरचेंज करना चाहेंगे तो उसको हम राइट माउस बटन से इंटरचेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. तो आगे हम गेम प्ले की तरफ चलते हैं. क्लिक ऑन ओके. स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेवल 1 ऑन हो चुका हुआ है. आप देख सकते हैं लेवल 1 है और 0 पॉइंट्स हैं. तो ये बॉल्स की स्ट्रिप आ रही है और ये फ्रॉग है जिसने बॉल्स को फायर आउट कर दिया. तो लेफ़्ट क्लिक से हम फायर आउट कर सकते हैं, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा तो वो स्ट्रिप शॉर्ट हो जाएगी. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने रेड से रेड बॉल को फायर आउट करना है. तो आप देखें यहाँ पर हमारा पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए हैं और ये गेम लेवल यहाँ तक पहुँच चुका हुआ है. हम दोबारा फायर आउट करते हैं, इसी तरह रेड को रेड से फायर आउट करेंगे. ये एक पावर बॉल आई है जो कि अलहदा से हाईलाइट हो रही है, तो इसको हिट अप करेंगे पहले. अब ये देखिए, इससे एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं. ये एक और पावर बॉल आई है, इस पर भी हिट अप करने से एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा.
स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवल वन का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये बॉल्स को मुकम्मल तौर पे फिनिश करना है। अगर हम इंटरचेंज करना चाहें इस कलर को तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक। तो पहले तो हम ग्रीन पे फायर आउट करते हैं और अब हम पहले रेड के साथ येलो कलर को रेड कलर के साथ इंटरचेंज करने के लिए राइट माउस बटन क्लिक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, राइट माउस बटन क्लिक करने से रेड बॉल आ गई है। तो आप स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वी कैन रिप्लेस द बॉल बाय ग्रीन। तो अब हम ग्रीन पे हिट करेंगे, द येलो वन। तो इस तरीके से हम जुमा डिलेक्स को खेल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्राई करना है ये जो स्ट्रिप है स्कल तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अब देखिए वो स्ट्रिप उसके पास आ रही है तो स्कल का जो माउथ है वो ओपन होता जा रहा है। तो अगर ये इसके अंदर चलेगी तो ये गेम ओवर हो जाएगी। तो बाकी की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सी यू सून लेटर, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।